मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज की गल दे नाल नासर जमील हाजिर खिदमत है, और अज की गल जिहड़ी है वह एक फिक्र अंगेज जिहड़ा एक मौजू है वह मुतलक है। असीं जाणदे हाँ भी इस मुल्क दे विच जिहड़ा है वह मजहबी इंतहा पसंदी जिहड़ी है वह अपने इस वक्त अपने अरूज ते है, और इंसानियत जिहड़ी है वह उहदे उस नंगे नाच नूं वेख वेख के ते शर्मा रही है। अज सवाल ये अज की गल दे विच कि क्या साडियां आने वाली नस्लां जिहड़ियां ने और साडियां जिहड़ियां बाकी जिंदगियां ने वह इस तरह ही एक दूसरे नूं बुरा भला कहिंदिया और कदी मज़हब दे नां ते कदी रंग दे नां ते कदी किसी इलाकाइयत दे नां ते कदी लसानियत दे नां ते असीं एक दूजे नूं इंज ही बुरा भला कहिंदे रहांगे और एक दूसरे के अंदर नफरतां जिहड़ियां ने फैलांदे रहांगे। अज दे जिहड़ा मौज़ू सुखन है वह एक वीडियो है जिहड़ी मैनूं किसी ने भेजी, और इहदे अलावा हज़ार हाँ ईमेल्स ने जिहड़ियां नैशनल न्यूज़ नूं आईआं। उन्हां ईमेल्स नूं पढ़ के तो मेरा दिल बड़ा दुखिया कि अगर इस तरह ही सूरत हाल रही उहदे च ज़्यादातर दुख की गल है कि ईमेल जिहड़ियां ने वह नौजवानों दियां सन, और उहदे विच ज़्यादातर ने यह जिहड़ा जिसमानी तशद्दुद और जिसमानी ताकत और जिसमानी ताकत का इस्तेमाल जिहड़ा है जिहड़ा पहले हो चुकिया जिहड़ा पहले किया गया या जिहड़ा हो रहा है या जिहड़ा वह कर सकते ने उहदे बारे किया गया। उहदे विच धमकियां भी सन, उहदे विच बेवकूफियां भी सन, उहदे विच मशवरे भी सन, लेकिन उहदे विच बेबसी जिहड़ी सी सब तो ज़्यादा सी, फ्रस्ट्रेशन उहदे विच बहुत ज़्यादा सी। और एक वीडियो जिहड़ी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की एक बच्चे ने बनाई है, पहले तुसी वो वीडियो देखो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी को जलील करना, इसकी तजलील करना, इसकी तोहीन करना ये बड़ी आम सी बात है। अभी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड जो कि सारे बखूबी वाकिफ होंगे, लेडीज तो खासतौर पर बड़े अच्छे तरीके से इसको जानती होंगी, लाइमलाइट के नाम से पाकिस्तान में एक ब्रांड है जो उसकी फाउंडर है, उसका नाम आमना बहाज है। करके देख सकते हैं एंकलेट्स, मतलब लाइक ये पड़े हुए एंकलेट मतलब पायल, पांव में बांधने वाली। ये आप देख ले पायल के अंदर क्रॉस लगाने का क्या तुक बनता है। अब यहाँ पे आमना बहाज कहे कि जी मुझे तो पता ही कोई नहीं इस मामलात के बारे में कि ये क्या हो रहे हैं, तो आप फाउंडर हैं, आपने हर चीज अप्रूव करनी है तो आपके स्टोर पे बिकनी है। अब बात सिर्फ इतनी सी करना चाह रहा हूं कि 2006 में यूरोप में कहीं पे कोई गुस्ताखाना खाके वगैरह शाया हुए थे तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनी टेलनोर की फ्रेंचाइजीज को आग लगा दी गई थी, ठीक है। अब सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूं कि ये अपने स्टोर से ये स्टॉक रिमूव करवा रहे हैं, या मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कह के इनकी जितनी फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर उन सब फ्रेंचाइजीज को जहन्नम वासल करवा दिया जाए, जैसे पिछले दिनों सियालकोट में एक बंदे को जहन्नम वासल किया गया। ये वीडियो जिहड़ी है कोई एडी अच्छी वीडियो नहीं है, ये पुरानी वीडियो है, शायद 6 महीने पुरानी वीडियो है, और आमना वहाज जिहड़े एक बहुत वड्डा कपड़ियां दा ब्रांड चलांदे ने ये उन्हां दे मुतलक है। गो असीं समझदे हाँ कि मसीही जिहड़ा निशानात ने मसीह सलीब जिहड़ी है वह साडी लई निजात दा, लेकिन बेवकूफां दी वास्ते वह हलाकत दा निशान है, लेकिन तो भी वह पत्थर जिहड़ा दूसरे वास्ते ठोकर दा बायस होवे उहनूं रस्ते चों हटा देना चाहीदा है। लेकिन किस तरह, क्योंकि हर वारी जिहड़ा जोर दा अमल है वह तबाही दा ही अमल हुंदा है, चाहे अपनी होवे ते चाहे दूसरे दी होवे। अज दी गलबात जिहड़ी है उहदे वास्ते मैं अपने स्टूडियो च मदऊ कीता और चेचा मैं उन्होंने खेचल दिती है, साढ़े बहुत ही प्यारे और बहुत ही साढ़े अहम मसीही कौम के रहनुमा सियासी समाजी और कानूनी मामलात नू इंतहाई अच्छे तरीके समझने वाले और समझाने वाले जनाब तारक सराज साहब एडवोकेट नू, तां जो वो आन और उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की कि सारा मामला उन्होंने अगे रखा, तो उन्होंने जिहड़ी गलबात की है या जो उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
मेरे वालों सारे वेखन वाले दोस्तों साथियों भैन भरावान सलाम अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल और गुड डे। मेरा सवाल है वे तारिक साहब जिहड़ी गलबात मैं तुहाडे नाल कीती तुसीं भी मैं तुहानू वीडियो भी भेजी तुसीं देखी उहदे बाद तुहाडे नाल असीं जिहड़े खतूत ने उह भी शेयर कीते ईमेल्स भी शेयर कीते ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਸ਼ਰਮਗੇਜ਼ੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਸਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਬੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਾਮੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨੋ ਆਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾਨਗਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਅਲਕੁਆਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਨਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
उहदे नाल ऐसा रवैया अपनाया गया या ऐसा सलूक किया गया जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच लोग जिहड़े ने त्रास त्रास करदे नज़र आए और सानू एक हिचकिचाहट जी फील हुंदी सी, एम्बैरसमेंट फील हुंदी सी, शर्मिंदगी या नदामत महसूस हुंदी सी कि यार असीं उहनां नाल की गल करिए कि असी उस मुल्क दे वासी हाँ कि जिते तुहाडे कोल कोई मेहनत मुशक्कत करन वास्ते अपने बच्चों के रोज़गार वास्ते या बच्चों की रोटी रोजी वास्ते कोई बंदा मेहनत करन वास्ते आया, साडे पाकिस्तानी दूसरे मुल्कां च मेहनत मुशक्कत करन नहीं गए? और अगर किसी दे नाल इह सलूक किसी होर मुल्क च होए साडे की जज्बात होणगे, साडी की सोच होएगी? उस माँ के बारे सोचिए, उस बीवी के बारे सोचिए जिहदे सिर दा साईं जिहड़ा है उहदे सिर तों साया उहदा उठ गया, बच्चों का जिन्हां नूं अपना बचपन विच यतीमी का सामना हो गया, वडेरी माँ नूं उह किवें अपने आप नूं कबर च लै के जाएगी? नौजवान नसल जिहड़ी है उह असल विच किसी भी कौम का किसी भी मुल्क का सरमाया हुंदे ने, और नौजवानों के अंदर एक जिहड़ी मसबत सोच है, एक मसबत रवैया है, वह पैदा करना जिहड़े उहनां दे वड्डे ने वडेरे ने उन्हां दा यह समझो कि बड़ा एक अहम किरदार हुंदा है। पिछले दिनों दे विच धरने ते ये वो बेशुमार इहो जिहे मसाइल पेश आए कि जिहदे विच एम्बूलेंसिस जिहड़ियां ने वह मरीज़ां नूं बर वक्त हस्पताल ना पहुँचा सके ते उन्होंने एम्बूलेंसिस दे विच जिहड़े मरीज़ सन उन्होंने अपनी जान जिहड़ी है वह कुरबान कर दित्ती। हुकूमत वक्त नूं इहदे उत्ते भरपूर अपना जिहड़ा इकदाम करन दी लोड़ है। और दूजी एक होर मैं गल करना चाहना वा, मैं बड़ी माजरत नाल अक्सर ही जिहड़ी मुख्तलिफ होटल्स दे विच और फाइव स्टार होटलों दे विच जिहड़ियां बैनल मुजाहब हम मांगी दे हवाले नाल कॉन्फ्रेंसिस हुंदियां ने, मैं उन्हां दोस्तां नूं तनकीद दा निशाना नहीं बनांदा, लेकिन मैं एक पैगाम हुकूमत नूं इकतदार दे ऐवानां नूं और कौम दे फैसले करन वालियां नूं यह पहुँचाना चाहना वा कि देखो एक जिहड़ा माइंड सैट है वो जित्थों डिवेलप हुंदा है जिथे तैयार हुंदा है उस नर्सरी नूं उस हैचरी नूं जी एजुकेट करन दी लोड़ है। और उहदे वास्ते मैं मतलब मेरा ये मशवरा ये सलाह है या सजैशन है ओपीनियन है राय आ कि जिहड़े पिंडां दे या छोटियां मसाजद दे जिहड़े इमाम मस्जिद ने जिहड़े बच्चियां नूं कायदे पढ़ाउंदे ने सबक पढ़ाउंदे ने उन्हां तक रवादारी दा उन्हां तक म्याना रवी दा उन्हां तक इतदाल पसंदी दा उन्हां तक नबी करीम दा जिहड़ा अमन ते सलामती दा जिहड़ा चेहरा है वह विखाउण दी जरूरत है। फिर प्राइमरी स्कूल दे जिहड़े टीचर ने देखो बुनियादां इत्थे बजदियां ने जी, फसल इत्थे बोई जांदी है, बी इत्थे बोया जांदा है, और अगर इन्हां थावां दे उत्ते गवर्नमेंट या हकूमती अदारे या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्हां लोगों के उत्ते आबियारी कर लेंदे ने, इन्हां लोगों नूं एजुकेट कर लेंदे ने पिंड दा। तुसीं देखो जिवें मैं एक मिसाल देवांगा, कोट राधा किशन का एक वाक्य होया सी, शम्मा शहजाद दोवां जीआं नूं जलदे होए पट्ठे दे विच सड़ दा गया, वो ऐलान एक मौलवी ने किया सी जी, बिल्कुल एक इमाम मस्जिद ने ऐलान किया सी। और अगर वो इमाम मस्जिद नूं पता हुंदा या उहदी ये ट्रेनिंग होई हुंदी कि नबी करीम दी ये तलीम नहीं है कि किसी नूं जिंदा जला दो जी, तो वह कदी भी ऐलान ना करता। और अगर वह ऐलान ना करता तो वह दो जाना जिहड़ियां ने बिला वजह जिहड़ियां जी वो अग दी नज़र हुई मौत दी नज़र हुई। गल करांगे कि देखो ये तो मतलब वो मामला हो गया जो नैशनल और इंटरनेशनल लैवल पर है, वे तुहाडे ख्याल के मुताबिक जिस तरह तुसीं हुण दस्सिया भी एक तो यह हिस्सा हो सकता है कि असीं अपने जिहड़े मैनूं जो समझ आई वे कि तुसीं कह रहे हो कि जिहड़े साडे मौलाना हज़रात ने और खास तौर पर छोटी मसाजिद के जिहड़े मिंबर दे उत्ते तलीम देंदे ने मौलवी हज़रात जिहड़े ने उन्हां नूं ट्रेंड किया जाए, उन्हां दी तालीमात इस तरह दी कीतियां जाण कि उह सिखा सकण, क्योंकि पहले सारे दे मस्ट बी ट्रेंड दैन दे ट्रेंड अदरस। ते इहदे इलावा मुल्की सतह दे उत्ते खास तौर पर अकलीयत दी अकलीयती जिहड़े मजहबी लीडरस ने उह की करन के इनकाउंटर किया जा सके इस मसले नूं? देखो मैं समझना वा कि
नैशनल लैवल ते एक मिनिस्ट्री जिहड़ी है वह बनी है इंटरफेथ हामनी दी बैनल मज़ाहब दी। हकूमती लैवल ते इहो जिहियां मिनिस्ट्रीज बनाउण दा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह हुंदा है कि मज़ाहब दे अंदर हम आहंगी पैदा की जाए, मज़ाहब दे अंदर बर्दाश्त टॉलरेंस दा जिहड़ा अंसर है उहनू इनक्रीज किया जाए। मैं एक गल अक्सर करना हुंदा वां कि इको ही मटीरियल दे नाल पुल भी बनते ने ते दीवारां भी, पुल जिहड़े ने उह मिलाप कराउंदे ने और दीवारां जिहड़ियां ने उह फासले पैदा कर छड़दियां ने। वो मटीरियल मैं तुसी इमाम मस्जिद प्राइमरी स्कूल का टीचर कारी साहब मुफ्ती साहब पादरी साहब बिशप साहब एम एन एज एम पी एज ए मटीरियल हाँ सी जी, असी मटीरियल हाँ जी और असी गुंदे जाने हाँ जी। अगर असी मुनासिब गुंदे जाइए और मुनासिब साड़ी कंस्ट्रक्शन हो जाए, मुनासिब तरीके नाल असी एक दूसरे दे विच पनप जाइए, एक दूसरे दे नाल जुड़ जाइए ते पुल बनाइए दीवारा ना बनाइए ते मैं समझना वा कि जिहड़ा विच नफरत दा जिहड़ा अंसर है मज़हबी इंतहा पसंदी दा मारन मरान दा जलान दा जिंदा दर गौर करन दा जहन्नम वासल करन दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है इन्नू अगर असी फुली तौर पर मुकम्मल तौर पर अगर असी खत्म नहीं कर सकते ना तो मैं समझना कि असी कुछ ना कुछ ये कामयाबी जी हासिल कर लवेंगे। तो एक बारी दी नींह रखी जी है ना वो किसी वक्त में जाकर तो दीवार बन जाती है या बिल्डिंग बन जाती है उत्ते छत पै जाती है तो फिर वो एक अच्छा जहा मस्कन तैयार हो जाता जिद लोग महफूज तरीके रहना शुरू कर देंगे। नाज़रीन तुसीं तारिक सराज साहब की गुफ्तगू सुनी, ये उन्हां हज़ारां पाकिस्तानियों की गुफ्तगु है, ये उन्हां हज़ारां और लखां जिहड़े साढ़े अमन पसंद लोग ने उन्हां दी दिल की सदर है जिहड़ी तुसीं इन्हां दी बोलियां च सुनी इन्हां दी गलबात च सुनी। गल इंज है कि ये कहना कि कितों कोई बाहरों कोई अमन लै के आएगा या कोई अमन की दवाई सानू या अमन का कोई टीका या अमन का कोई वैक्सीनेशन लाएगा तो इस तरह नहीं हो सकता, ये सानू आप ही करना पैना है क्योंकि जिथे मसला है उत्थे ही उहदा हल है और हल जिहड़ा है वह बड़ा सौखा है भाई असी अपने ही घर दे तो शुरू करिए तो अपने घर च अपने आप नू सब तो पहले सिखाइए कि जिहो जिहा मेरा दिल है जिहो जिहे मेरे बच्चे ने जिहो जिहे मेरिया जरूरतां ने उहो जिहे मेरे हमसाई दियां ने। यूसुफ मसीह ने बड़ा खूबसूरत आख्या भाई सब तो वड्डा हुक्म जिहड़ा इंसानी हुक्म है जिहड़ा इस हुक्म दे बराबर है कि तू अपने रब नू अपने पूरे दिल अपनी पूरी जान ते अपनी पूरी ताकत नाल प्यार कर, नाल इहो जिहा दूजा इह वे कि तू अपने पड़ोसी नू अपनी मन नाल प्यार कर। पड़ोसी का मज़हब नहीं दस्या गया उत्थे, पड़ोसी का नसल नहीं दसी गई, पड़ोसी की जुबान नहीं दसी गई, पड़ोसी का रंग नहीं दस्या गया, पर पड़ोसी दीयां जरूरतां पूरियां करन वास्ते हुक्म दिता गया। बिल्कुल इस तरह का ही हुक्म जिहड़ा है वह इस्लाम इस तरह के अहकाम जिहड़े ने असीं गीता दे विच और इस तरह के अहकाम जिहड़े ने असीं ग्रंथ साहिब च वेखदे हाँ, पर इन सारे हुक्मों को असी पिछे सुट के तो असी अपनी जाती तस्कीन वास्ते यहोजे काम करने। अज की वीडियो जी सू विखाई है वो एक वीडियो है लेकिन यहोजे हज़ारा खतूत मेरे को मौजूद ने जिन्होंने शायद इतने शेयर करना पढ़ना या उन्होंने शेयर कित भी करना जोड़ा है वो मुनासिब नहीं रहेगा। मेरी गुजारिश है वे कि जिते जिते भी असी है जिस तरह के भी असी है अपनी अपनी कैपैसिटी के कम अज़ कम असी अगर किसी होर ठीक नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने दिमाग नूं ठीक जरूर करिए तां जो ये मुल्क जिहड़ा है ना सिर्फ अमन का गहवारा होवे पर नाल ही नाल साडे अपने अंदर भी अमन शांति मुहब्बत प्यार रवादारी जिहड़ी है वह रवे ना बल्कि इत्थे एक चश्मा बने तो दूजे ने भी शेयर करिया करे। अज दी गल नूं इत्थे मुकाने रब रखा।